चलो चले चलो चले। तो जी वो आखिर दिन आ ही गया कि हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। बहुत टाइम बाद, एक लंबे अरसे के बाद, मतलब कहते ना कि कितने हो गया टाइम यार, मैं महीना हो चुका, महीना हो गया ना। मैं बोलता हूँ कभी कुछ काम, ये सब चलता ही रहा। तो आज हम बहुत स्पेशल प्लेस पे जा रहे हैं। तो वैसे तो हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि भाई अच्छी और स्पेशल प्लेस पे जाएं, और बहुत डिफरेंट लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब ब्यूटीफुल। मैं कहते ना कि जो लफ्ज़ों में ना बताई जा सके ऐसी है। पर आज हम बिल्कुल अलग और बिल्कुल सेपरेट जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पे ब्यूटी है, मतलब नेचर ही नेचर है, जो कि हमें शौक है आप लोगों को दिखाने का। हमारा आज का सफर है टोटल 300+ किलोमीटर है, 322 किलोमीटर है। तो हमें 3 घंटे लग ही जाएंगे, 3.5-3.5 घंटे मैक्सिमम लग जाएंगे। तो बस अभी हम निकले हैं, टाइम हुआ है जी 10:15। देखो हमारा था प्रोग्राम 8 बजे का, निकलते टाइम लग गया। अब आयजा कुछ खा ही नहीं रही थी, सुबह बच्चों का इतना मूड होता नहीं खाने का, तो इसलिए हम लेट हो गए। इसी की वजह से अब देर ना करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। अगर रास्ते में ब्रेक लेंगे वो देख लेंगे, फिलहाल हमारा यही है कि हम अपनी जो डेस्टिनेशन है ना उस पर पहुँचते हैं और मज़ा लेते हैं। यार मज़ा आ जाएगा यार। हमने अभी एक जगह ब्रेक लिया, इतनी ब्यूटीफुल लेक है ना यार, यहाँ पे तो बाहर निकलते हैं फिर दिखाते हैं, बच्चे निकलेंगे यार। बारिश बड़ी आ रही है इधर, है ना, बारिश शुरू, हाँ पता नहीं, चलो खैर चलते जाते हैं, कोई बात नहीं, बारिश हो जाए, थोड़ी थोड़ी हो रही है, पर निकलते हैं, मैं और हिमानी निकलते हैं, बच्चे अंदर ही रहेंगे। चलो बारिश तेज हो गई है, थोड़ी थोड़ी, हाँ चलेगा काम। वाह आपको 3 कलर नजर नहीं आ रहे यहाँ पे किधर, पानी के, हाँ वो हो जाते हैं क्योंकि क्योंकि वो जो नीचे है ना वो मिट्टी है, इस करके वाटर का पानी चेंज हो गया। पहले ब्राउन, वो मिट्टी सा है, फिर ग्रीन कलर है, फिर ब्लू कलर है, हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ स्नो है, हेलो। मेरे को ना यहाँ की ना एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि पानी ब्लू है, बिल्कुल वाटर ब्लू एकदम, बड़ा सुंदर है इसको। ये ब्लू वाटर पता क्या होता है कि बहुत ज्यादा साफ पानी होता है ना, जो उसको वो ब्लू होता है। ये देखो, ये तो कलर भी वही आता है, टर्किश कलर आता है, टर्किश हाँ। कलर लग रही कहते है, ना कि हो रही है, पर जाने का मन नहीं, जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। देख लो आप पीछे, बिल्कुल मैंने कहा था ना यार यहीं पे रुक जाओ बस। कहते ना कि जब ऐसी जगह देख लेना बंदे का कुछ मुंह से लफ्ज ही नहीं निकलते कि बोले क्या, कैसे कैसे इसको डिस्क्राइब कैसे करें, बस आप देखो और बस मजे लो और कुछ नहीं है। मेरे से तो रहा ही नहीं गया, मैं रुक गया, मैं कहा, मैं हिमानी को बोला, मैं कोई बात नहीं आगे चाहे लेट हो जाए पर हम इधर रुक के देखते हैं। पर मैं पता क्या बात है, मैं ये कह रहा था कि ना हमने ये ना हम आए हैं जैस्पर की तरफ, तो जैस्पर है मतलब ना बैंफ वाली रोड ही है मेन, जैस्पर का अलग अलग रास्ता कट जाता है। और हमने जब एंट्री की है ना जैस्पर की ये जो मेन रोड पे, तो हमने $22 पास के लिए मतलब पास लिया इधर जैस्पर जाने का। बैंफ का पास अलग है अपनी, हाँ बैंफ का पास अलग है, जैस्पर का अलग है, हाँ बैंफ का पास अलग है, जैस्पर का अलग है। तो हमने जैस्पर के पास के लिए $22 हमने पे किया। ये है कि ये ना डे मतलब पूरे दिन का पास होता है ये। चलें इधर से आगे चलें, चलेगा ठीक है, चलो हमने इधर रास्ते में ब्रेक लिए, तो ये हम करने लगे हैं ट्रैकिंग आधे किलोमीटर की। हिमानी मुझे कह रही आपको कोई और काम धंधा है नहीं, कहती कहीं ट्रैकिंग का रास्ता कोई ना कोई ढूंढ लेते हो। तो हम अभी आए हैं मिस्ताया कैनियन है, तो हाफ किलोमीटर की ट्रैकिंग है, आधे किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो आ जाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। हेलो, मैं आधा किलोमीटर कुछ भी नहीं है।
ठीक है हो जाएगा ना मैनेज। मैं कहा और मेरे को देखा यहाँ पे कैन्यून है तो मैंने इधर ब्रेक लगा ली। मैं कहा आधे किलोमीटर का है ट्रैकिंग तो कोई बात नहीं, देखते हैं, एक न्यू एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे इब्राहिम लेक आगे, उसके आगे अभी 50-60 किलोमीटर और पड़ी है ना। और टाइम हो गया रात कह रहा हूँ, टाइम हो गया दोपहर के 1:30 बज गया है, 1:30 हो चुके हैं दोपहर के। फिलहाल अभी जाएंगे कैनियन, उसके बाद जाएंगे इब्राहिम लेक। ये उठा के इसलिए चल रही है, आधे किलोमीटर है ना बस, ज़्यादा नहीं है। बाकी एक बात है, ये जो ना यहाँ पे ठंड आ चुकी है, देखो हमने पूरी अपनी जैकेट्स ना कर ली हैं बंद, ठंड है बहुत। ये है 4 या 5+ है और बारिश हो गई थी बंद। मैं कहा चलो यार अब अच्छा हो गया, ताकि जो भी हम एक्चुअली एक्सप्लोर करने के लिए आए ना आराम से अपना देख पाएंगे। लो जी हम पहुंच गए हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था पर एक बात है, मेरे को लगा था यार वो बारिश पड़ने की वजह ना पहाड़ कह रहे हैं ये ना वो स्टोन्स जो है ना स्लिपरी हुए पड़े, तो इस करके मेरे को तो डर लगा था। मैं कहा मैं गिर जाऊँगा, क्योंकि मेरे हैं फ्लैट शूज़, ये हिमानी को आदत है चढ़ने चुढ़ने की, मेरे को नहीं है। चलो खैर ये देख के फिर चलते हैं इब्राहिम लेक। ध्यान से प्रभाव, इधर भी बड़ा ख़तरनाक काम है। हाँ ये मैंने देखा था, ये है कैनियन। वो देख नीचे से जा रही है, ये देखो नीचे से वाटर जा रहा है और ये है कैनियन। चलो उधर तक चलते हैं, आ जाओ आगे तक चलते हैं, तभी आगे और चलते हैं, पास जाएंगे वाटर के, जहाँ से इजी लगे ना वहाँ से चलो यार, गिरने वाला हाल ना हो हमारा। हाँ यहाँ से इजी है, ये यहाँ से इजी है। आराम से एलविन तो जगह दे मेरे को, नीचे गिरना है मुझे। चलो आगे जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए, चलो मैं तेरा हाथ पकड़ूं, इसका पकड़। चल उसी चल एलविन आ जा, धीरे धीरे वो इधर कुछ इतनी बात कोई चक्कर नहीं था। आ जा धीरे ओ वाह चलो इसको मेरे को पकड़ा, या मेरे को पकड़ा, आ जा या मेरी गोदी में पकड़ा, नहीं गिरता यार, कुछ नहीं है, आ जा यार, चलो आ जा। मेरी काकी मेरे पास आ गई, आ जाओ धीरे चलते हैं, धीरे आ जा देखो वाटर के पास ये देखो काकी, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। आ जाओ बहुत ही ब्यूटीफुल, इधर आ जा यार, आ जा हाथ पकड़ के रखो मम्मा का। तो जी बस अब इधर से निकलते हैं, इब्राहिम लेक अब चलते हैं। मैं तो नाम ही भूल गया था अभी, नहीं देख स्टेप्स हैं इधर। आपने वैसे ट्रैकिंग करवाई थी हमें, है ना?
ट्रैकिंग तो करो, आज का ट्रिप जो है ना एडवेंचर भी होगा साथ साथ। 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करवाई आपने? कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। ओ 1 किलोमीटर अप डाउन है ना। और यहाँ पे ना जैसपर के रास्ते में ग्लेशियर्स हैं, विंटर्स में आएंगे। अगर रोड्स क्लियर हुई, सब कुछ ठीक रहा तो ज़रूर आएंगे। बच्चों की ना थोड़ी कहते हैं ना फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। हाँ ये है कैनियन। हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा यार। कैसे रही? हेलो मिस्ताया हा? मिस्ताया कैनियन की ट्रैकिंग मज़ा आ गया। एक बात है, पहाड़ों पे चढ़ी हूँ, आधे किलोमीटर की ट्रैकिंग थी पर पसीना पूरा आ गया। मैं हिमालय में कह रहा था, मैं कहा इतना सीधा सीधा रास्ता है वो भी पहाड़ों में, क्योंकि इंडिया में तो पहाड़ों पे तो बिल्कुल ऐसे ऐसे टर्न्स होते हैं ना। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बिल्कुल सीधा रास्ता है। फाइनली जी हम पहुँच गए हैं इब्राहिम लेक। इतनी ब्यूटीफुल लेक है ना, पूरी ब्लू है, और ये लेक इतनी बड़ी है। मैं कहता हूँ ये लेक मेरे ख्याल से कितने किलोमीटर तक साथ चली, मगर 10-15 किलोमीटर तक। हाँ 10 किलोमीटर तो हमें नजर आती रही। हाँ ये लेक इतनी बड़ी है। बात ये है कि ना इसका ना लेक इब्राहिम के साथ यहाँ पे ना कैंप ग्राउंड भी है, जहाँ पे आप अपने कैंपिंग जो भी है कर सकते हो। पर हमें कोई रास्ता मिल नहीं रहा था कि ना लेक के मतलब नीचे उतरने का, और एक रास्ता हमें मिला। यहाँ पे कोई भी नहीं है, हम ही हैं सिर्फ। बस देखा यार मैंने बहुत लेक्स इधर घूमी है, इतना ब्लू वाटर मैंने नहीं देखा। वैसे हम लेक मिनी मोंका सब घूमे हैं, पर इतना ब्लू वाटर नहीं मैंने देखा। सुंदर है, देखिए बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं दिखाता हूँ, पहुंच जाऊं मैं जरा पास, फिर आपको दिखाता हूँ जरा। ये देखो जी, ओ यार क्या ब्यूटीफुल लेक है। ये देखो बिल्कुल ब्लू वाटर, बिल्कुल। ये देखो हम ही है और कोई नहीं है। और वैसे एक बात है, लोकेशन भी अच्छी मिल गई बिल्कुल पास में जाने की, और कोई भी नहीं है, हम ही है सिर्फ। ये देखो बिल्कुल ब्लू वाटर, और इतना क्लीन वाटर है ना। और मैं पास में जाके दिखाता हूँ, इतना क्लीन वाटर है, बहुत क्लीन वाटर। ये देखो हेलो, ये रहा मेरी बात सुन, क्रिस्टल क्लियर वाटर। ये देखो बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर है, बहुत ज्यादा। मेरी बात सुन, मैंने जितनी लेक देखी है ना, ये सबसे बेस्ट लेक है। आराम से। ये देख रहे हो वाटर देख, पानी देख कितना क्लियर है यार, बिल्कुल शीशा। इसे पानी में हाथ डाल के देखते हैं कितना ठंडा है। हाँ ठंडा नहीं है इतना, वैसे मैं है। अरे ऐसे 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 व्लॉग्स ना आपको करण हिमानी के ही चैनल पे मिलेंगे, ऐसे व्लॉग्स जो नेचर फ्रेंडली व्लॉग्स है ना, ट्रैवल जो ऐसे व्लॉग आपको करने हिमानी के चैनल पे मिलेंगे। हम चेयर ले, चेयर इधर लगा के बैठ जाएं? नहीं नहीं ऐसे ऐसे पत्थरों पे बैठ जाओ, पत्थर इतने सारे पड़े हैं, पत्थर पे बैठ जाओ और क्या। चलो वाओ, ऐसे पीछे रहना बेटा, पीछे रहना। वैसे पानी इतना गहरा नहीं है, ठीक है 2 मिनट हम इधर ना आधा पौना घंटा आराम से रुकेंगे। हम भी अभी जाने लगे इतनी जल्दी, आराम से बैठ के आंखें ना अपनी कहते ना कि आंखों को सुकून देंगे इधर बैठ के। बस यार बिल्कुल ब्लू वाटर है, बिल्कुल ब्लू। आयशा ये देख, हेलो, ये बहुत बड़े बड़े पत्थर फेंक रही है। आयशा छोटे छोटे बेटा, छोटे छोटे फेंक लो जो ऊपर ने। लेडीज फर्स्ट, नहीं छोटा छोटा छोटा। लेडीज फर्स्ट, ओके कम ऑन, लेडीज फर्स्ट। चलाओ वॉक करते करते चलते हैं। आयशा चलो आ जाओ मेरे यारों, हम जा रहे हैं। चलो आओ, इसने गिले आगे तक चलते हैं, आगे तक आ जाओ। ये चल रहा है सितंबर मंथ चल रहा है। मेरे को लगता है तभी यहाँ पे ज्यादा रश नहीं है, है ना। लोग ना इस साइड इतना आ नहीं रहे। मैं वैसे ना एक बात फील करता हूँ ना, मतलब एक तरह से ना हम ये ऐसी लोकेशंस एक्सप्लोर करते हैं ना, एक हमारी ना मेमोरीज भी जुड़ रही है ना। चलो खैर आगे ये कि आगे और अच्छी
मतलब अच्छी जो स्पॉट्स हैं और आगे आगे हम ना एक्सप्लोर करते रहेंगे, बाकी सभी ब्लॉग्स चलते रहेंगे यार, एंटरटेनमेंट चलता रहेगा और मस्ती मजाक सब चलता रहेगा। बाकी एक बात है कि हमें हमें जो है वो ज़्यादा अच्छा ये ऐसी लोकेशन पे घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है। कोशिश यही करते हैं कि टाइम निकालने की, बाकी यार अगर यहाँ पे मतलब कनाडा की लाइफ ऐसी है, सब काम अपने आप करने सब कुछ इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कई बार टाइम नहीं नहीं भी लग पाता है ना। हाँ, बस ये बात है, ये तो हम तो आप शौकीन है ऐसी ऐसी जगह यार, ऐसी कौन जगह छोड़ता है यार मतलब घूमने के लिए। मुझे नहीं पता था इतनी सुंदर होगी ये जगह, है ना। हाँ। मतलब मैंने मैंने ना बहुत लेक्स देखी हैं, पर ये बहुत ब्यूटीफुल है यार, मतलब ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, बाकी भी हैं, ये भी हैं। बारिश होगी शुरू बड़ी तेज, एकदम से बारिश आने लगी बहुत तेज। तूने तूने क्या कहा था? मैं को कॉपीकैट। कॉपीकैट क्या कह रही थी? ठीक बोली है। क्या कह रही थी आईजा? कॉपीकैट। मैंने कहती थी कॉटीपैट। क्या कहती थी? कॉटीपैट। कॉटीपैट। आईजा बोलो कॉटीपैट। कॉटीपैट। तेरे साथ मेरे को ना बाहर टाइम बताना था, इसलिए मैंने तेरे को बाहर बुला लिया। छत के नीचे। ये देखो वाह, इसका देखो छत के नीचे, मेरी छतरी के नीचे आज। इतनी मुश्किल से टाइम मिलता है आने का, फिर पता नहीं बारिश शुरू, फिर पता नहीं आना कि नहीं आना होता, पता नहीं यार कब टाइम मिलता कब नहीं। उल्टा हम आए थे आज, आए हमारे खुला टाइम था, बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। चले चले पक्का रास्ते में हम रुके हैं, और स्पेशली दिखाने के लिए आपको कि बहुत ही बड़ा ग्लेशियर सामने सामने है हमारे। मैं आपको दिखाता हूं, देखो। वाह यार कितना कितना बड़ा ग्लेशियर है यार ये। स्पेशली मैंने हिमानी बोला, मैं कहा मैं कार साइड लगाता हूं, पहले तो इसको कैप्चर करते हैं, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब चलते आगे। एक्चुअली बात बता क्या, हिमानी के साइड बड़े अच्छे अच्छे जो ग्लेशियर्स आ रहे हैं वो हिमानी आपको दिखाएगी। अब कैमरामैन चेंज हो गया हमारा, हिमानी कैमरामैन है। पहुंच गए हैं बैफ, और देखो बैफ के साइन के लोग देख स्नैप खिंचानी, लाओ लाओ इधर दिखाई जरा, ये देख लाइन लगी हुई है, ये देखो उधर उसकी साइड दिखा, ये लो ये लाइन लगी हुई है बैफ के, बहुत तेरी थी, खींचो खींचो फोटो। सर जी हम इधर आए हैं टिम होटल में, टिम होटल में थोड़ा कुछ खा लेते हैं फिर निकलेंगे। अभी हम आए हैं बैफ में, बैफ के टिम होटल है, तो थोड़ा सा कुछ खाएंगे फिर घर निकलेंगे। बहुत सभी कह रहे हैं बहुत भूख लगी है, हिमानी गई है वॉशरूम, मैं और एलविन ऑर्डर दे देते हैं, जब तक ऑर्डर बन जाएगा जब तक हिमानी आ जाएगी। चलो जी हेलो, टूट पे ना रखो ऐसा, टूट पड़ो इसके ऊपर रख लो। हेलो मेरी बात सुन, मैंने मैंने ये ना हम दोनों शेयर करेंगे लार्ज चॉकलेट हॉट चॉकलेट ना, तो ये भी हमें खाना पड़ेगा। एलविन तू वो निपटा देगा, एलविन खा लेगा ना ये, एक मेरे को बाइट दे दी यार, मेरे को बहुत मन है ये खाने का। अच्छा है यार, नहीं खोलिए इसको,
बस ना यहाँ से थोड़ा सा खा के सीधा घर जाना है, टाइम हो गया ऑलरेडी, 6 बज गए 6। ओह वाओ गरम होगा अभी। इसके साथ हेलो, इसके साथ मम्मा को भी दे यार एक बाइट, ऐसा आई मीन मम्मा को भी दे बाइट एक, खा के देख यार इसके साथ बहुत इतनी इतनी संतुष्टि मिलती ना, इतना अच्छा लगता ना क्रोसॉन्ट के साथ। ट्राई इट। अब हॉट चॉकलेट पी, अब पी जल्दी 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 पी ले, मज़ा आएगा मज़ा। कैसा लगा? हाय है ना, मज़ा आ गया ना चॉकलेट क्रोसॉन्ट के साथ, तो हॉट चॉकलेट तो मज़ा आया था। खा लिया अपना, ये हमारा डिनर ही हो गया था एक तरह से, हमारा डिनर हो गया। तो बस अब जाएंगे सीधा रन थ्रू घर, बज गए हैं 6:30, बस एक घंटे में 7:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ इस एडवेंचर जर्नी का इधर ही एंड करते हैं, मिलेंगे आप नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना प्यार देते रहो, सपोर्ट देते रहो, ऐसे और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे, कुछ इंजॉय करेंगे इकट्ठे मिल के। तो जी बस फाइनली करते हैं जी, बाय, टेक केयर और लव यू ऑल, बाय 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 बाय।